सभी को नमस्कार, मेरा नाम है मोनू झा। आप देख रहे हैं मोनू के ब्लॉग्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, और आज का वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज हम आए हैं काक्षी सरकार। और चलिए यहाँ के बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन है और जो डिटेल है यहाँ के जो महंत हैं, तो उनसे हम यहाँ की जानकारी लेते हैं और यहाँ पर हम आपको पूरी जानकारी देते हैं। तो आप लोग इस वीडियो में बने रहें और ये वीडियो आप पूरा देखिए। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। जी आप अपना सबसे पहले आप नाम बताएँ। नीलू महाराज दबो। अच्छा अच्छा महाराज जी, आप यहाँ लगभग कितने टाइम से हैं? हमारा आना जाना यहाँ है लगभग 20 साल से। अच्छा अच्छा 20 साल से। तो अभी क्या चल रहा है महाराज यहाँ पर? यहाँ अभी रामायण चल रही है। हाँ, तो जैसे कि हम मंदिर के अंदर आ चुके हैं और मंदिर आप लोग देख सकते हैं यहाँ से, और अभी हम मंदिर के अंदर चलेंगे और वहाँ पे दिखाएंगे कौन कौन सी मूर्ति हैं। और यहाँ पे सुना जाता है कि यहाँ पे सबसे बड़ी जो मूर्ति है वो हनुमान जी की है। और चलिए यहाँ पे महाराज से जानकारी लेते हैं। महाराज जी ये क्या बना हुआ है? ये धर्मशाला है यात्री लोग रुकने के लिए। अच्छा अच्छा हाँ। अच्छा यहाँ पे जो है ये धर्मशाला है? ये धर्मशाला यात्री लोग रुकने के लिए। अच्छा अच्छा, तो अभी क्या यहाँ पे वैसे लॉक वगैरह लगा हुआ है, तो इसके क्या है? लॉकडाउन से अभी कोई यहाँ ना साधु रुका है ना कोई यात्री आया है। अच्छा आते हैं चले जाते हैं। अच्छा अच्छा हाँ। तो ये जो यहाँ पे कथा चल रही है? हाँ कथा चल रही है। अच्छा अच्छा, ये कब बैठी थी? ये आज सुबह से प्रारंभ हुई है। अच्छा अच्छा, ये कब तक चलेगी? 24 घंटे की है। अच्छा अच्छा हाँ। तो महाराज जी यहाँ पे जो मंदिर है इसका कब निर्माण हुआ था, जैसे कि आप बता सकते हैं? इसका निर्माण लगभग 200 साल पहले हुआ था इस मंदिर का निर्माण। अच्छा अच्छा अच्छा, तो इधर साइड में क्या बना हुआ? उधर यज्ञशाला है। तो यहाँ पे यज्ञशाला है? यज्ञशाला है। अच्छा अच्छा, तो चलिए फिर आपको सभी लोगों को हम ले चलते हैं सीधे मंदिर के अंदर। और अभी हम बाहर हैं, महाराज जी हमारे साथ में, और पूरी जानकारी के लिए पूरी यहाँ पे जो भी संपूर्ण जानकारी वो आपको दी जाएगी। और फिलहाल वीडियो में बने रहें, और महाराज जी हमारे साथ में हैं। तो चलिए बिल्कुल मंदिर पास में आ चुका है, तो हम अभी बस मंदिर पे चलते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं मंदिर के पास में हम आ चुके हैं और महाराज जी यहाँ की पूरी जानकारी देगी। तो फिर चलिए आप लोग आइए मंदिर के अंदर। जी महाराज जी, ये कौन से मतलब अभी? ये पुरानी परिक्रमा है। अच्छा अच्छा, परिक्रमा के लिए ये फर्स्ट गेट है? हाँ, ये फर्स्ट गेट है। अच्छा, पहली परिक्रमा, ये दूसरी परिक्रमा है। अच्छा अच्छा, जो अपन चल रहे हैं। अच्छा, ये दूसरी परिक्रमा है। अच्छा अच्छा, ये हनुमान जी महाराज हैं। अच्छा अच्छा जी, देखिए यहाँ पे हनुमान जी का जो बहुत पुरानी मूर्ति है। अच्छा अच्छा, यहाँ पे आप लोग दर्शन कर लीजिए। और ये रही हनुमान जी की मूर्ति, और आप थोड़ा जूम करके दिखाइएगा। हम कहना चाहते हैं अपने कैमरामैन से कि यहाँ पे थोड़ी जूम करके दिखाएं, और आप लोग इस वीडियो में बने रहें, आपको यहाँ पे और भी मंदिर है वो भी देखने को मिलेगा। तो जी महाराज, आप यहाँ के बारे में क्या जानते हैं? हम यहाँ के बारे में ये जानते हैं कि यहाँ के महंत जी हैं रामदास महाराज। अच्छा, यहाँ सभी लोगों का मंगलवार को आना जाना रहता है। पूरे क्षेत्र के लोग आते हैं, बाहर के भी लोग आते हैं। मेला भरता है हर मंगलवार को। अच्छा अच्छा, बड़वा मंगल को जाना भीड़ होती है। अच्छा अच्छा, और शिवरात्रि के दिन भीड़ होती है। अच्छा अच्छा, जो शिवरात्रि अपनी कांवड़ चढ़ती है। अच्छा अच्छा, उस टाइम पे भी भीड़ होती है। अच्छा, जाना अधिक संख्या में। अच्छा अच्छा हाँ महाराज जी, यहाँ पे जो हर वर्ष जो मेला लगता है वो कौन सा टाइम है? वो चैत में लगता है। चैत में लगता है। अच्छा अच्छा, ये जो आप सामने देख पा रहे हैं ये क्या है महाराज जी? ये धर्मशालाएं बनवाई गई थी, जो यात्री आते हैं यहाँ कथा वगैरह होती है, भोजन प्रसादी बनती है, उनकी भंडारा भी करते हैं। अच्छा, जैसे कहीं पानी आनी वगैरह आ गया है तो अच्छा, खुले मैदान में नहीं हो पाता है, तो उसके लिए धर्मशालाएं हैं वो कमरे। अच्छा अच्छा हाँ। अच्छा, वो भोजनालय का रूम है। अच्छा, वो वाला उधर। हाँ दिखा दो। अच्छा अच्छा, तो ये भोजनालय है? ये हमारे महंत जी का स्टोर रूम है रुकने के लिए। अच्छा अच्छा, यहाँ हाँ, पे जो फ्रिज रखा हुआ है पानी हाँ, वाला? अच्छा, जी अच्छा, जी अच्छा, ये स्टोर रूम है हाँ। अच्छा अच्छा, तो आइए हम मंदिर का पूरा परिक्रमा करवाते हैं आप लोगों को। यहाँ जो भी लोग पुरानी माने सोच बना के आते हैं। अच्छा, उनके सबके काम हल होते हैं। अच्छा अच्छा, यहाँ का तो ये प्रमाण है कि 10 दिन में 8 दिन में आपका काम हो ही जाएगा। अच्छा अच्छा, जो आपने मन में सोच लिया बस मंदिर पे माथा टेक के चले जाओ। या ना कोई किसी साधु से ना किसी से वैसी कुछ, या तो इन्हीं की हनुमान जी महाराज की सब है। अच्छा अच्छा, इन्हीं की वजह से सारे काम होते हैं। अच्छा, तो महाराज जी हमने यहाँ पे ये जानकारी नहीं ले पाई कि ये जो काक्षी सरकार है ये
वैसे स्थित कहाँ पे, कौन से जिला और राज्य में आता है, इसकी थोड़ी जानकारी? ये जिला भिंड लगता है, तहसील लहार है, अच्छा, थाना दबो है, अच्छा, अच्छा, थरदुआ मौजे में है, थरदुआ मौजे में, हाँ, अच्छा अच्छा। तो यहाँ जो गांव कौन सा है, ग्राम कौन सा लगता है? ग्राम फरदुआ लगता है। अच्छा अच्छा, ठीक है। अच्छा, तो आप लोग देख सकते हो इस तरीके का यहाँ पे मंदिर है, और महाराज जी यहाँ की संपूर्ण जानकारी दे रहे हैं। और यहाँ पे जो परिक्रमा है वो हो चुकी है? हाँ, पूरी परिक्रमा। दूसरा मंदिर दिखाते हैं, राम जानकी के मंदिर में चले। अच्छा अच्छा, दूसरा मंदिर है राम जानकी का मंदिर। जी जी, अपने सिद्ध महाराज हैं, भोले शंकर हैं। हाँ जी, सिद्ध महाराज हैं, ये भोले शंकर हैं। हाँ, तो यहाँ के लगभग ये पहले गुरु थे क्या? हाँ, पहले शुरू नंबर शुरुआत के यही महंत थे। हाँ, इस वजह से इनके यहाँ पर दूसरे वाले उदाहरण उस कोने में। चलो, अच्छा चलिए, आपको दूसरे भी महंत दिखाते हैं, तो आप लोग बने रहें वीडियो में। दूसरे महंत यही हैं, देखो आप लोग दिखा दीजिए। अच्छा, इनका क्या नाम है महाराज? इन्हीं का नाम था रामदास महाराज। अच्छा, दूसरे हैं वो हैं रामशरण महाराज। अच्छा, लल्लू बाबा कह के पुकारते हैं उनको। अच्छा, और ये जी तो बहुत पुरानी है, सिद्ध मूर्ति है ये। अच्छा अच्छा, आला उदल के टाइम की मूर्ति है। अच्छा, तो लगभग जो स्थापना यहाँ नहीं, इनकी तो अपन ने ऐसी स्थापना ही देखी। अच्छा अच्छा, हाँ। इनके बारे में नाम पता नहीं, ज्यादा जानकारी नहीं? नहीं, आप नहीं, इनके बारे में कोई ज्यादा जानकारी नहीं है। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे, अभी हम आ चुके हैं दूसरे मंदिर। और ये कौन सा मंदिर है महाराज जी? राम जानकी जी का मंदिर है। अच्छा अच्छा, राम जानकी का मंदिर है, और यहाँ पे राधे कृष्ण और राधा हैं, और काफ़ी सुंदर और भव्य मंदिर बना हुआ है, जैसे कि आप लोग वीडियो में देख पा रहे होंगे। तो चलिए, हम आपको ये भी पूरा घुमाते हैं, और यहाँ पर जो भी जानकारी है वो यहाँ के महंत जी और यहाँ के महाराज देंगे। आप लोग वीडियो में बने रहें। महाराज जी, ये मंदिर का निर्माण कब हुआ था? इस मंदिर के निर्माण को लगभग अच्छा 17-18 वर्ष हो गए। अच्छा अच्छा, 17-18 वर्ष हो चुकी है। अच्छा अच्छा, तो लगभग यहाँ पे 18 साल हो चुके हैं इस मंदिर को निर्माण हुए। चलिए, हम आप लोगों को परिक्रमा करवाते हैं, और यहाँ की संपूर्ण जानकारी देते हुए यहाँ के नीलू महाराज, और आप लोग वीडियो में बने रहें। और अभी हम आप लोगों को परिक्रमा पूरी दिला रहे हैं, और ये मंदिर का पीछे का भाग है, और हम पीछे आ चुके हैं। तो ये है फर्स्ट गेट एक ही है इसका, जैसे कि आप देख पा रहे हैं करीब से दिखाओ मूर्ति वगैरह है। ये रामचंद्र जी की मूर्ति है, इसमें राधा कृष्ण की भी है सब। अभी 18 वर्ष पहले इनकी स्थापना हुई थी, तभी ये नया मंदिर बना, इसके पहले ये नहीं था यहाँ। पुराना वही मंदिर है जो पहले देख चुके आप, कांकसी सरकार का मंदिर, वही पुराना है यहाँ का। लेफ्ट साइड में कौन सी? अच्छा, तो अभी लॉकडाउन की वजह से ये गेट बंद है। हाँ, लॉकडाउन की वजह से क्या है, अभी यात्री भी ज़्यादा लोग नहीं आते हैं, वही लोकल के आते हैं, तो इस वजह से अभी मंदिरों पे वैसे भी भीड़ कहाँ हो रही थी। अच्छा, भीड़ होती है तो काफ़ी पुलिस लग जाती है मंदिरों पे। चलिए, फिर हम आप लोगों को मंदिर तो दिखा चुके हैं, और यहाँ से जुड़ी हुई जो भी जानकारी है और कथा है वो भी हम आपको दिखाएंगे। और यहाँ के एक और महंत जी हैं जो कि यहाँ के महाराज हैं, उनसे पुरानी जानकारी लेंगे, क्योंकि उनकी एज काफ़ी ज़्यादा है, तो वो यहाँ की पूरी जानकारी देंगे। तो चलिए, हम उनके पास चलते हैं। लोकल के जो ग्रामवासी हैं वो लोग जानकारी देंगे, शेष जानकारी जी, जो भी शेष जानकारी है, जो यहाँ लोकल के लोग हैं वो लोग सब पूरी जानकारी देंगे यहाँ की, कैसे मंदिर बना था, कैसे इसका निर्माण हुआ, किसने निर्माण किया, वो सारी जानकारी देंगे यहाँ की। ये अपनी ब्यास गद्दी है, इस पर रामायण वगैरह पाठ होते हैं, रामायण भी होती है,
अच्छा। जो भी माने आपको धर्म पुण्य करना है, अच्छा। कथा वगैरह उधर यज्ञशाला में होती है, रामायण और पाठ यहीं पर होता है, अच्छा। ये वही ब्यास गद्दी है, अच्छा। तो ये आज सुबह ही स्टार्ट हुई है? हाँ, आज सुबह स्टार्ट हुई है, ये 24 घंटे की चल रही है। हाँ जी, स्टोर रूम बने हैं या यात्री लोग रुकने के लिए, एक ये वाला है, एक ये है बाहर, ये साहबान निकला है, इधर भी रूम निकले हैं, इस साइड पीछे की साइड भी रूम है, बगिया वगैरह है, पास में नदी लगी, ये अपनी सारी हवन कुंडी है, ये यज्ञ भगवान की बड़ी वाली कुंडी है, बीच वाली जो मेन यज्ञ आचार बैठते हैं अपने, वो बड़ी वाली कुंडी ये है। हाँ, ये वाले रूम बने हैं, जो वाले ये वाले रूम जो भगवत आचार रहते हैं उनको रुकने के लिए वो रूम बनवाए गए हैं। कितनी है कुंडी? यहाँ 121 कुंडी है टोटल, 121 कुंडी है। नदी थोड़ी पास में है, ये जंगल सा दिख रहा है, इधर से क्या है तार फेंसे गए, निकल नहीं पाएंगे, बाहर सिक्के गेट से घूम के आना पड़ेगा, ये सामने दक्षिणी दिख रहा है, इसी के नीचे ही है। हाँ, मिर्गा नदी है, जो शेष जानकारी है वो अपने ग्रामवासी देंगे अपन को। हाँ, पास के ही हैं, फरदुआ के लोग हैं, अरूसी के हैं, अच्छा। उनका काफी समय से यहाँ आना जाना रहा है, वो एज के भी काफी है। नहीं, जब हमारा जन्म भी नहीं हुआ था जब से वो लोग आ जा रहे हैं, हाँ। तो इस वजह से वो यहाँ की जो भी पुरानी कहानी होगी, पूरी कथा वही देंगे। हाँ। जैसे कि दोस्तों हमने आपको दिखाया यहाँ के बारे में मंदिर, और यहाँ पे दो मंदिर हैं, और यहाँ पे पूरी जानकारी देते हुए तो हम अभी आ चुके हैं एक महंत जी के पास। तो यहाँ के मतलब जो यहाँ पे ग्रामवासी हैं, यहाँ के रहने वाले, तो यहाँ पे जो भी जानकारी है और तो यहाँ की जो कहानी है, जैसे कि आप लोग जानते हो हर मंदिर की एक ना एक कहानी होती है, तो हम यहाँ पे रूबरू करवाते हैं एक महान जी से। अंकल जी, क्या नाम है आपका? माता प्रसाद शर्मा। अच्छा अच्छा, तो आप यहाँ के बारे में क्या बताना चाहते हैं? यहाँ के बारे में हम जितनी हमें जानकारी होती हम सब बता रहे हैं। अच्छा अच्छा, हमारी उम्र हो गई 65 वर्ष की। अच्छा अच्छा, हमारे भी पुरखा बताते रहते हैं यहाँ। अच्छा अच्छा, कि ये प्राचीन जगह है, 251 वर्ष हो चुके हैं इस जगह। अच्छा अच्छा, वो यहाँ जंगल था, भीषम जंगल, यहाँ के लोगों ने भ्रमण करके फिर जंगल की जानकारी ली, तो अच्छा। कई प्रमाण ऐसे मिले हैं ना कि जिन लोगों ने इनसे लकड़ी काटी तो लकड़ी चिपके रह गए। अच्छा अच्छा, फिर ना जानकारी मिली कि जो है ना कुछ शक्ति है, फिर इनके जंगल हटवाया यहाँ से, तो हनुमान जी की जो मूर्त मिली और उस पर कांक्षी सरकार लिखा मिला। अच्छा, हाँ। कांक्षी सरकार, कांक्षी सरकार लिखा मिला। अच्छा अच्छा, फिर वहाँ से इतनी सिद्धि जाएगी, फिर कुछ समय बाद, कुछ दिन बाद चलता रहा, ऐसे टूटा फूटा काम चलता रहा, फिर हमारे परिवार के रामदास महंत बने फरदुगा के। अच्छा अच्छा, उनने 40 बीघा जमीन अपनी निजी इनाम मंदिर को लगाई। अच्छा अच्छा, और वो ही महंत बने। अच्छा, करीबन 50 साल रहे। अच्छा अच्छा, फिर वो समाप्त हो गए, उनकी फोटो लगी वहाँ। हाँ, वीडियो हमने दिखाया। कई इना जग भागवत रब ने भी कराए। हाँ। फिर नांगा जी ने करवाए, नांगा जी के अलावा जी लल्लू महाराज इनने भी करवाए। अच्छा, और यहाँ की ये प्राचीन प्रसिद्ध जगह ऐसी है कि जो भक्त जो आस्था लेकर के आता है वो 100% हो, 99% वो काम नहीं है, 100% सब होता है। अच्छा, चाहे मुकदमा वाला आवे, चाहे शादी वाला आवे, चाहे पुत्र मांगने आया, कुछ भी हो। अच्छा, यहाँ का बिल्कुल प्रसिद्ध 100% खेल सच्चा है। अच्छा अच्छा, और जगह भी सब अच्छा है, लेकिन यहाँ से अच्छा तो भारतवर्ष में कहीं नहीं है। अच्छा अच्छा, ये मेरी गारंटी है, मैंने प्रत्यक्ष देखा, 65 वर्ष तो हमको होगा देखा। अच्छा अच्छा, लेकिन साधु सेवा कम है यहाँ, साधु महाराज भी अकेले हैं। अच्छा, और कोई साधु रहते हैं, साधु होते तो विकास और होता, प्रकाश बनता। अच्छा, सिद्ध साधक का जोड़ा सा अकेले है, सो भी तकलीफ रहती उनको, कहीं ग्वालियर चले जा, कम व्यवस्था हो पा रही, कोई 2-4 साधु होते तो और व्यवस्था बड़क होती। तो यहाँ के जो मुख्य महंत है उनका क्या नाम है? रामशरण जी, रामशरण जी। अच्छा अच्छा, तो वो अभी यहाँ पे है नहीं? नहीं, वो नहीं है अभी जी। आप कुछ कहना चाहते हैं इस बारे में? हाँ जी, प्राचीन मूर्ति है, पृथ्वीराज चौहान ने इसकी प्रतिष्ठा की थी। अच्छा। बुजुर्ग लोग ये बताते हैं कि पृथ्वीराज चौहान ने इस मूर्ति की प्रतिष्ठा की थी,
और उन्होंने यहाँ पर जो है राम जानकी का विवाह करवाया था, अयोध्या से बरात आई थी, यज्ञ संपन्न करवाया था उन्होंने। अच्छा अच्छा। हाँ ये, और ये यहाँ पर फिर विकास होता रहा धीरे धीरे। अच्छा। और मंदिर की कला चलती रही। और इसका निर्माण सन 80 में हुआ है मंदिर का, और राम जानकी के मंदिर का 18 साल की लगभग हो गई। अच्छा। इस मंदिर की आपने क्या नाम बताया आपका? क्या नाम? हमारा नाम है मुन्ना शर्मा। अच्छा, आप यहीं के निवासी? फर्दुआ। फर्दुआ ही मौजे में ही है। तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे काफ़ी अच्छी मान्यता है, और आप यहाँ पे आएँ, और हमारा बस इतना ही कहना है यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ और देखें, काफ़ी भव्य और काफ़ी अच्छा मंदिर बना हुआ है, तो आप लोग आएँ और यहाँ पे पधारें, एक बार ज़रूर आएँ और देखें, काफ़ी बड़ा मंदिर है। और जैसे कि वीडियो के ज़रिए हमने आप लोगों को ये वीडियो पूरा दिखाया है, मंदिर भी पूरा दिखाया है, और यहाँ के जो ग्रामवासी हैं उन लोगों से भी मिलवाया है, और यहाँ की जो भी जानकारी है तो वो हमने आप लोगों को दी है। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को लाइक करें, और वीडियो शेयर करें। थैंक यू।